ओके जी, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता स्क्रीन शो हो रही है सबको। इसमें मैं सबसे पहले कल वाली कुछ चीजों को साथ लेके चलूंगा। इसमें मैंने कुछ शॉर्ट कीज जो हैं ऐड की हैं। मोस्टली लोग तो इन कीज से हावनाव रखते होंगे, लेकिन इसमें कुछ उसमें भी नहीं आएगी। और उन कीज में मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कीज देखेंगे, देन उसके बाद कीज के बाद जितने भी टेम्पलेट्स हैं, मीन्स दैट ये जो ये सारे टेम्पलेट्स हैं, आज इन सारे टेम्पलेट्स को कवर करेंगे। इंस्टेंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन एक अच्छा और काफ़ी वेस्ट टॉपिक है, और इस पे तकरीबन एक पूरा लेक्चर चाहिए होगा। और कल इस पे लगाएंगे, सारा दिन इस पे लगेगा, और बाकी आज के दिन में, क्योंकि इसमें मोस्टली सारी चीज़ें सिमिलर होंगी। सीवी डिज़ाइन में या इन सब चीज़ों में सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, तो इन सब में हम आज ही इन सबको कवर करेंगे, और वीडियो भी आज ही कवर करेंगे कि किस तरह बनाते हैं। आई विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स इन वन डे, लेकिन फिर बाकी जो रह गया फिर वो कल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीज की तरफ आते हैं। सबसे पहली की है एल। एल जब आप किसी भी कैनवा की जो पेज पे होते हैं, या किसी भी कैनवा के टेम्पलेट पे होते हैं, तो आपको कोई लाइन लगानी होती है ना, तो आप सिंपली एल लिखो, एक लाइन आ जाती है इस तरह से, और उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ये एंगल इसका आप सेट कर सकते हैं। वन फोर्टीन जीरो ये स्टेट टाइम है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, देन उसके बाद आप इसको थिक भी कर सकते हैं जितना आपका दिल चाहे। देन उसके बाद आप यहाँ से इसमें इसके जो कॉर्नर हैं वो भी सेट कर सकते हैं। इसमें अब इसके स्क्वायर कॉर्नर हैं, उसके बाद राउंडेड कॉर्नर हैं, और फिर उसके बाद डॉटेड लाइंस हैं। देन उसके बाद इसमें ये फॉर्मेट है डॉटेड लाइन का, और उसके बाद इसमें इसके हेडर्स और इसका फ्रंट, इसको आप इस तरह से कोई भी शेप दे सकते हैं। बैक एंड से ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और फ्रंट एंड से आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं, कोई भी कोई एरो बना सकते हैं इसको इस तरह से। इस लाइन को आप थिक भी कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको यूज करना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट की तरफ आऊंगा। टी टाइपिंग कंटेंट बॉक्स एक जो वो ओपन हो जाएगा फौरन ही जब आप टी टाइप करेंगे इस तरह से, और वो सब टाइटल्स का एक होगा। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक नमाज या कुछ भी, और उसके बाद उसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट की है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, मीन्स दैट कि मैंने अभी यहाँ से सारी चीज़ें डिलीट की हैं, अगर मैं कंट्रोल जी कर दूंगा तो ये वापस आ जाएगी। कंट्रोल जी मैं ये साथ साथ इस वजह से लिख के ये रखा हुआ है कि अगर किसी को बाद में मेरी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रही है, या उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी है, तो वो वीडियो के अंदर ही जो है वो इसको देख सकता है, और वीडियो जो है ना, मतलब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। देन उसके बाद आपने देखा कि मुझे मुझे कंट्रोल जी नहीं करना था, मुझे अंडो करना था, मुझे वापस उसी फॉर्मेट में जाना था। मैंने कंट्रोल जी मल्टीपल टाइम्स कर दिया, अभी मुझे वापस आना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी जो है वो आपको रिडू कर देगा। मीन्स दैट कि अभी मैं यहाँ पे ये सारा वापस अंडू किया है, तो अगर इसको मैंने रिडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी ये वापस उसी तरह गायब हो जाएगा, और फिर अगर मुझे कंट्रोल जी करूँगा तो फिर वापस आ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट की है स्लो।
प्लस आर रूलर। अच्छा ये जो है आई एम सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया था एकदम से और लॉस्ट हो गया था। और मुझे बता दें मैं किधर था, मुझे और आवाज़ आ रही है सबको मेरी, मुझे ये भी क्लियर कर दें प्लीज़। जी, अब आपकी वॉइस आ रही है क्लियर। लास्ट टाइम मैं किस जगह पे था, मैं कौन सी कीज पे। महबा मुझे बता सकती हैं कि मैं लास्ट टाइम क्या बता रहा था। ओके, रीडू कीज में। रीडू में अगर आपने कोई अंडू मल्टीपल टाइम्स ज्यादा कर दिया, देन उसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी करेंगे तो वो रीडू हो जाएगा। देन उसके बाद एक की है शिफ्ट प्लस आर रूलर। ये रूलर ऑलमोस्ट ये है, ये जो है ये आप कंट्रोल प्लस आर से भी इसको लेके आ सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें रूलर जो है वो कंट्रोल यहाँ से फाइल में जाके ये शो रूलर्स, अगर मैं इसको ये क्लिक करूँगा तो ये गायब हो जाएंगे। रूलर्स के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वो, जब आप खुद इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या इसमें काम करेंगे देन उसके बाद आप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और रूलर्स के बाद नेक्स्ट की मैं देखता हूँ कंट्रोल सेमी कॉलम। कंट्रोल सेमी कॉलम था शायद रूलर्स, वो इसमें गाइड्स होती हैं, गाइड्स, शो गाइड्स, शो गाइड्स कंट्रोल जी से, इससे सेमी ये शो गाइड्स, गाइड्स से मींस दैट कि आप यहाँ से ड्रैग कर, मैंने शो नहीं की, गाइड जब आप शो कर लेते हैं देन आप यहाँ से ड्रैग, इसमें ड्रैग का ऑप्शन होता है। ये गाइड्स, गाइड्स पहले इलस्ट्रेटर में होती थी लेकिन कैनवा में नहीं थी, कैनवा में बिल्कुल न्यू फीचर है। इसमें आप कोई भी किसी भी चीज़ की अगर जो है वो उसको एक जगह पे मतलब स्पेसिंग उनकी जो है वो एक लेवल पे करना चाह रहे हैं देन उसके बाद आप गाइड्स यूज करते हैं उसके लिए, और गाइड्स ऑलमोस्ट न्यू फीचर है। देन अगर आपने इसको गायब करना है आप मतलब इसको इस तरह से भी वापस लेके जा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो की है वो कंट्रोल प्लस से आप जूम कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस से आप जो है जूम आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली लैपटॉप के फीचर्स हैं, और मोबाइल में तो सारे उसमें फीचर्स अलग से मौजूद हैं, वो आपको फर्दर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जूम आउट कंट्रोल माइनस हो गया, देन उसके बाद हाइड साइड टेम्पलेट्स। अच्छा, अक्सर मैं काम कर रहा होता हूँ तो यहाँ से साइड टेम्पलेट्स ये खुला हुआ होता है, तो अगर इसको मैंने हटाना है, ये साइड टेम्पलेट्स वाला जो फोल्डर है ये इस तरह से ओपन होता है, तो अगर मैंने इसको हटाना है तो इसके लिए मैं कौन सा की यूज़ करूँगा, कंट्रोल प्लस स्लैश। अभी मैं इधर रहूँगा, कंट्रोल प्लस स्लैश मैं करूँगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। आप इसको इस तरह से वैसे भी हटा सकते हैं यहाँ से, ये जो छोटा एरो है, देन उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं। कंट्रोल सी का तो सबको पता है, कंट्रोल वी का भी पता है,
मीन्स दैट अगर मैंने यहाँ से यहीं पे चाहता हूँ मैं इसकी कॉपी एक लेना, कंट्रोल सी करूँगा देन कंट्रोल वी करूँगा तो इसकी एक कॉपी मुझे मिल जाएगी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। इसको मैं कहीं पे भी अगर ऐड करना चाहता हूँ, मीन्स दैट मैं इसको न्यू पेज ऐड में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इसको मैं यहाँ पे ऐड करने के बाद इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और इसको मैं पर्सनली कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी डायरेक्टली यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल वी अगर मैं करूँ तो ये डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा उसी कलर में, इसके बाद में मुझे कलर चेंज करना होगा। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मोबाइल में भी हैं, लेकिन लैपटॉप में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट की है सिलेक्टिंग मोर देन वन शिफ्ट। अगर आप कोई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप एक एक से ज्यादा चीजें मूव करना चाह रहे हैं इकट्ठी जो मूव करें, देन आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया देन शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इकट्ठी सिलेक्ट हो जाएंगी, देन आप इसको इकट्ठा मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पर। तो नेक्स्ट की जो है वो शिफ्ट के बाद कंट्रोल जी किसी भी चीज़ को ग्रुप करना है कि वो दोबारा इकट्ठी मूव हो। अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ इकट्ठा करता हूँ तो मैं इसको अगर कंट्रोल जी कर देता हूँ तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, देन उसके बाद ये हर जगह पे इकट्ठे ही मूव करेंगे, ये कंट्रोल जी का इसमें। और कंट्रोल जी वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ समटाइम ऐसा होता है स्पेसिंग की वजह से इकट्ठा नहीं हो पाता, लाइक अगर मैं यहाँ पे इस वाले टेम्पलेट्स के नीचे कुछ ऐसा पेस्ट कर दूँ, इसको ही मैं कंट्रोल सी करके इस टेम्पलेट में ले आता हूँ। इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। अगर इन दोनों को मुझे सिलेक्ट करना है, इसको मैं शिफ्ट के साथ दोनों को प्रेस करूंगा, कंट्रोल जी करूंगा, ये एक जैसे हो जाएंगे, देन उसके बाद ये मूव करेंगे एक 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 ही फॉर्मेट में, एक ही बॉक्स में, आप इसको अलहदा से मूव नहीं करा सकते। और उसके बाद नेक्स्ट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी दबाने से ये दोबारा अनग्रुप हो जाएंगे, मीन्स ये एक ही बॉक्स बन गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी आप जब प्रेस करेंगे तो ये फिर अलग अलग मूव करने लग जाएंगे। ओके नेक्स्ट की है बोल्ड इटैलिक्स और अंडरलाइन, कंट्रोल बी कंट्रोल आई कंट्रोल यू, ऑलमोस्ट ये तो सबको पता ही होगा। और रेक्टेंगल देन सेलेक्ट ऑल, अगर यहाँ पे आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कोई भी तो आपको एलिमेंट्स में जाके पर्सनली नई रेक्टेंगल लिखने की जरूरत, आप सिंपली एक आर प्रेस करें और उसके बाद एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे रेक्टेंगल, या इसको आप कोई भी शेप देना चाह रहे हैं आप उसको शेप दे सकते हैं। लेकिन कैनवा में एक बात है कि आपका ये जो बॉर्डर है ना, इसके बाहर जो चीज़ है वो आपके डिज़ाइन में इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे इतना भी कर देता हूँ ना तो ये हमारा जो फॉर्मेट है उसमें सिर्फ यहाँ तक ये चीज़ ऐड है, ये चीज़ आपके डिज़ाइन में सेव नहीं होगी। और उसके बाद कंट्रोल ए, ऑलमोस्ट सबको पता है कि मैं अगर इस पूरे वाले फॉर्मेट को यहाँ से उठाना चाहता हूँ तो देन मैं कंट्रोल ए करूँगा, सब सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं ऐड पेज करके कंट्रोल बी करूँगा तो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया था, कंट्रोल ए करूँगा इस पूरे को और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल बी। अगर आप इस तरह किसी भी फॉर्मेट में ये चीज़ें चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके जी, अब शॉर्ट कीज ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई हैं और अब मैं आता हूँ अपने फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट में जल्दी जल्दी में मैं सारी चीज़ें इसमें बताता जाऊँगा, साथ साथ गो थ्रू मैंने कल ही करा दी थी। सबसे पहले लोगो डिज़ाइन है, लोगो डिज़ाइन में मैं होम पेज पर जाऊँगा, लोगो
मैं यहाँ से भी लोगों निकाल सकता था, मैं यहाँ से सर्च करके भी लोगों निकाल सकता था। ये हमारी अपनी मर्जी है जिस तरह से हमें फिजिबल लगता है। यहाँ इसमें बहुत सारे इस तरह के डिजाइन हैं, आप इनको मर्ज कर सकते हैं, इसकी चीजें इधर ऐड कर सकते हैं, इसकी चीजें इधर ऐड कर सकते हैं, सारी चीजें वेक्टर्स होंगी और आप इसमें से कोई भी फॉर्मेट यूज करके आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, इधर लिखा हुआ भी होगा कितने टेम्पलेट्स हैं। 1.4 के इलस्ट्रेशन और ब्यूटी, ये सारे इसमें। सपोज मैं कोई भी लोगो पिक कर लेता हूँ, लोगो पिक करने के बाद उसकी जो एडिटिंग है वो आपने खुद करनी है, उसको किस तरह से आपने सेट करना है। इसमें सारे जितने भी हैं वो सारे वेक्टर्स होंगे, इसमें आप कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। मीन्स मैं ये वाला घर यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐड पेज करूँगा और ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं इसका वैक्टर यहाँ से उठाऊँगा, कंट्रोल सी करूँगा, इसको रन आउट कर दूंगा और कंट्रोल वी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद मैं इसको एक हाउस बिल्डर का लोगो बनाना चाह रहा हूँ, मीन्स दैट के साहिवाल। इसमें मैं कोई भी हाउस बिल्डिंग प्रॉपर्टी एडवाइजर या इस तरह से कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। देन इसको मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसके मैं साइजेस बोल्ड कर सकता हूँ, इसके इसका ये थीम चेंज कर सकता हूँ, इसमें मैं कोई और इसका स्टाइल फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट लोगो इसमें आप ज़रा इसको एक्सप्लोर करें, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, इवेंट्स लोगोज हैं और बड़े स्टाइलिश लोगोज भी मिलेंगे आपको, एनिमेटेड लोगोज भी होंगे। देन उसके बाद उसके गेमिंग लोगोज, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपको एक्सप्लोर करेंगे देन आपको उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, लोगों के बाद बिजनेस कार्ड। मैं फिर वापस होम पेज पे जाऊँगा, होम पेज पे जाने के बाद मैं टेम्पलेट्स से ऑन करूँगा बिजनेस कार्ड। ये कार्ड्स हैं, बिजनेस कार्ड्स नहीं है। जी तो मैं वापस होम पे आऊंगा और यहाँ पे मैं बिजनेस कार्ड्स लिखूंगा, बिजनेस कार्ड स्केयर बिजनेस कार्ड आप यूज करना चाह रहे हैं या इस डायमेंशन का बिजनेस कार्ड यूज करना चाह रहे हैं, या यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे वर्चुअल बिजनेस कार्ड्स हैं, पर्सनल बिजनेस कार्ड है, टैटू बिजनेस कार्ड है, डॉक्टर बिजनेस कार्ड है, ऑलमोस्ट सारे डिजाइन हैं। मोस्टली ये फॉर्मेट पाकिस्तान में तो यही यूज होता है और आप इसमें से कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे अगर यहाँ पे कोई अपना प्रॉपर्टी एडवाइजर का या कोई इस तरह से बिजनेस कार्ड बनवाना है, इसकी ना ऑलमोस्ट इसमें दोनों साइडों का ही हिसाब बताते हैं। आप इसको यूज कर वर्चुअली यूज कर सकते हैं आप इसको, और जैसे आपका दिल हो। आप उसके बाद बिजनेस कार्ड को एडिट कर सकते हैं, इसका पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में बेसिकली ये वेक्टर्स लगे हुए हैं, ये वेक्टर शेडो यूज किए हुए हैं लाइंस, और ये शेडो सर्कल यूज किया हुआ है, ये शेडो ट्रायंगल यूज किया हुआ है। देन उसके बाद इनकी ट्रांसपेरेंसी भी शेडो सर्कल और ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, अपना कार्ड बनाना चाहूँ, माथा में ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ पे मैं अपना नंबर ऐड करना चाहूँ और यहाँ पे अपनी जीमेल में ऐड करना चाहूँ या यहाँ पे अपना एड्रेस साथ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएटिव डिजाइन स्टूडियो, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। इट्स अप टू मी के मैं इस पे किस तरह से आपकी डायरेक्शन लेना चाहता हूँ। ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है। और उसके अलावा अगर आपको यहाँ से कोई और चीज़ इसमें पसंद आ रही है, इसमें ये इफेक्ट पसंद आ रहा है, आप अपना कोई डाइनिंग का कोई कार्ड बना रहे हैं,
अब यहाँ से पिक कर सकते हैं ये सारी चीजें, और ये सारे वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर है, आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं आता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट पे। सोशल मीडिया पोस्ट में आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट तो बहुत सारी हैं, लाइक उसमें आप फेसबुक पोस्ट कंसीडर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक कवर, और इंस्टाग्राम पोस्ट सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। इसमें ऐसा कोई इतना मुश्किल काम नहीं, सेम सारी वही चीजें हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में अगर आप कोई डाइटिशियन है या कोई जिम ट्रेनर है या कोई भी आपका कोई है कि जिसमें आप इसको एक पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, आप बर्थडे पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे उसको अपलोड करना चाह रहे हैं, आप इस तरह से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू, इसमें आप कुछ भी अपना कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं, उसकी पिक्चर भी रिप्लेस कर सकते हैं। पिक्चर मैंने आपको रिप्लेस करना सिखाई थी शायद आपको भी याद हो। सपोज दैट मुझे ये पिक्चर यहाँ पे रिप्लेस करनी है, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, देन उसके बाद इसको मैं ड्रैग कर दूंगा इस पिक्चर के अंदर। उसके बाद अगर मुझे ये पिक्चर यहाँ पे सेट नहीं लग रही, देन उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, इसको यहाँ मैं शॉर्ट करूंगा, इसको मैं यहाँ पे सेट भी कर सकता हूँ, इसकी डायमेंशन और इसका जो साइड रूट है। और उसके बाद मैं ये इसको मैं इनके कलर्स में ब्लैक भी कर सकता हूँ, इनके कलर्स चेंज भी कर सकता हूँ, मुझे बस चेंज करना है। एक मेरा एंड पे एक बहुत अच्छा फीचर है कैनवा का, वो भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उससे ये है कि उससे आपको कलर कम्बिनेशन की और फॉन्ट कम्बिनेशंस की में काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, प्रेजेंटेशन डिजाइन में कल कराऊंगा। बिजनेस कार्ड डिजाइन ये हो गया है। सीवी रिज्यूम, रिज्यूम बेसिकली पाकिस्तान का एक बहुत इशू है कि हम एक अच्छी अट्रैक्टिव रिज्यूम नहीं बना पाते, तो उसके लिए कैनवा बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। मेरी अपनी सारी रिज्यूम्स कैनवा की बन गई है और एक अच्छी लुक आती है इसमें रिज्यूम की। ये देखिए डिफरेंट टेम्पलेट्स है, और यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें प्रो में है ये, आपको यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा फ्री का, मेरा कैनवा प्रो अकाउंट है दैट्स व्हाई आई कैन नॉट चेंज दिस, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री का ऑप्शन मिलेगा अगर आपका कैनवा प्रो अकाउंट नहीं है, कि आप सिर्फ फ्री टेम्पलेट्स भी देखना चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें से अगर मुझे ये पसंद आता है तो इसको आप जूम करके देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, सपोज हमार हामिद। देन उसके बाद मैं बता सकता हूँ कि कोर्स इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, ग्राफिक्स कोर्स इंस्ट्रक्टर या कोर्स इंस्ट्रक्टर। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूं। इसमें ये गाइड्स, ये बेसिकली गाइड्स होती हैं जो मुझे बता रही होती हैं आपका कंटेंट, जो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है वो सेंटर में है, ये इसके इक्वल है, यहाँ से भी मुझे बताया उसने, यहाँ से भी बताया। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा अगर छोटा नीचे करना चाहता हूँ तो मैं अपने जो कीबोर्ड के कीज होती हैं उनसे भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं उनको अगर ये वाला की यूज़ करना है, ये वाला इसमें आप जो जिसमें आप किसी चीज़ के साथ नीचे, तो उसमें एक पोजीशन का पोजीशन के साथ नोज नोज नेम से एक होगा ऑप्शन, अगर वो आप क्लिक करेंगे तो देन उसके बाद आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि हाथ से इस तरह से बहुत थोड़ी स्पेस में मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और देन उसके बाद इसमें आप देखें कि उसने कॉन्टेक्ट मी एज अपनी लोकेशन, आप इसमें अपना एड्रेस, इसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर की होती हैं रिज्यूम में, जो आपकी प्रोफेशनल रिज्यूम होती है, और बहुत एक अच्छे मैनर में कवर की हुई होती हैं।
आप इसमें अपने जो पैराग्राफ की हेडिंग है वो चेंज भी कर सकते हैं, मींस मैं इसको पर्सनल प्रोफाइल की जगह मैं समरी कर सकता हूँ इसको, या इसमें पर्सनल स्किल्स इसमें लिख सकता हूँ, या पर्सनल शॉर्ट इंट्रो कर सकता हूँ इसको मैं। वर्क एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप किस रिलेटेड सीवी अपनी देना चाह रहे हैं, अचीवमेंट्स और अवार्ड्स, इसमें मैं इसको अचीवमेंट्स भी कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस भी कर सकता हूँ हिस्ट्री को, और देन इसके बाद मैं इसमें नया भी ऐड कुछ कर सकता हूँ, मीन्स मुझे यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना है, रेफरेंस का फोल्डर ऐड कर, एक टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा इसमें जगह मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा एडजस्टमेंट करने के लिए, जिसको मैं उठाऊंगा इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, इस वाले को कौन इसको मैं छोटा भी कर सकता था, मैं यहाँ पे इस तरह से इसको भी ऐड कर सकता था कि मैं ये इस तरह कर दूं, देन उसके बाद इसी टेक्स्ट बॉक्स की कॉपी लूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको उठा के इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे रख लूं, और यहाँ पे मैं सबसे ऊपर टॉप में रेफरेंसेस ऐड करूं, देन उसके बाद मैं अपने जिनके मैं रेफरेंस देना चाहता हूं उनकी हेडिंग्स दूं इस तरह से, और इसको अब इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको ना सिंगल में ले आऊं, सिर्फ मुझे एक रेफरेंस इसमें देना है, और वो अब इसको मैं किस तरह से चेंज करूंगा, इसको वही कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी अनग्रुप, और अगर मैनुअली आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद थ्री डॉट्स हैं, और जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए भी नीचे ये ऑप्शन होता है अनग्रुप का, आप इसको डायरेक्टली अनग्रुप करें, और देन उसके बाद सारे टेक्स्ट बॉक्सेस अलहदा हो जाएंगे, मैं सिंगल रेफरेंस देना चाह रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें साइड पे कर दूंगा, मीन्स ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ इस टेम्पलेट के अंदर है वो यहाँ पे है, बाकी अगर आपने किसी को डिलीट करना है तो आप वो इस तरह से कर सकते हैं, देन उसके बाद मैं सबको सेलेक्ट करूंगा, ये एक टेक्स्ट बॉक्स इसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ या मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ, अब ये सीवी बनाने वाले पे डिपेंड करता है वो किस तरह से इसको चला रहा है, और इसमें मैं फिर रेफरेंसेस के बाद अपने जिनका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कोई उनका नेम लिखूंगा, अली सपोज दैट, मैं फिर उनकी डेजिग्नेशन लिखूंगा कि वो किस किस जगह पे मैनेजर एट कंपनी के, उनकी कंपनी का नेम लिखूंगा, और साथ में फिर उनकी स्टडीज या उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, डिटेल्स में मैं इस तरह से उनके बारे में कोई भी उनका फोन नंबर, उनकी जीमेल, उनका जो एड्रेस है वो, और ऑलमोस्ट मेरी सीवी डन है, सीवी डन करने के बाद आप यहाँ पे अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, देन उसके बाद डाउनलोड का आपको बताइए, आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें, आप पीएनजी में फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें, जेपीजी में कर लें, और वीडियो भी आप इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो में थोड़ी एनिमेशन आएगी और नथिंग एल्स, देन उसके बाद आ जाता है वीडियो मेकिंग, वीडियो मेकिंग थोड़ा सा लेंथी है और इस पर हमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, लेकिन करना तो है, वीडियो में अब मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे किस पे वीडियो बनानी है, मुझे मोबाइल पे चलाने के लिए वीडियो बनानी है, मुझे यूट्यूब इंट्रो वीडियो बनानी है, या मुझे कोई यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे क्रिएट करनी है, या मुझे कोई टिकटॉक की वीडियो, टिकटॉक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कैनवा पे चला सकते हैं, टिकटॉक की वीडियोस आप कैनवा पे बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और बड़ी तसल्ली से उसको यहाँ पे बनाने के बाद आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ये इस तरह से, ये बैकग्राउंड रिमूव करके पिक्चर ऐड की हुई है, और उसके बाद आप इस तरह, और वीडियो में एक चीज बहुत ही खूबसूरत है कैनवा में, कि आप उसमें डिफरेंट एनिमेशन और अपनी जो पिक्चर स्टोरीज हैं उसको ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बैक जाऊंगा, वीडियोस दोबारा आऊंगा,
मैं यहाँ पे बर्थडे की वीडियो बनाऊंगा, मुझे किसी को वीडियो मैसेज देना है, बर्थडे मैसेज देना है, तो मैं उसकी एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं उसमें कुछ कंटेंट्स लिखूंगा। नहीं, यहाँ पे न्यू पर डे कंटेंट। बर्थडे कैसे सपोज दैट मुझे ये विश का कोई कंटेंट है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और मैं इस वाले में इस फॉर्मेट में यूज करना चाह रहा हूँ। ये वीडियो का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट, ये एक वीडियो मैसेज वाला फॉर्मेट है, आप इसमें वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, और इसके डिफरेंट पोर्शंस हैं, अप्लाई ऑल पेजेस, ये सारे पोर्शंस एक साइड पे आ जाएंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये जो है ये वाला जो पूरा एक टेम्पलेट खुला हुआ है, ये एक पूरा एक एक टेम्पलेट है, इसमें इफेक्ट्स हैं, इसमें अगर आप इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा नजर आएगा, इसमें इफेक्ट्स आ जाएंगे, इफेक्ट्स में इस तरह से आपकी वीडियो शो होने लग जाएगी। मीन्स दैट मुझे इसको किस तरह से इस पे इफेक्ट्स यूज करने हैं, मुझे ये इफेक्ट्स अच्छा लगा है। देन उसके बाद मुझे इसका टाइम सेट करना है कि ये वाला जो टेम्पलेट है ये कितनी देर यहाँ पे चलेगा, तो उसमें मैं इसका टाइम यहाँ से सेट कर सकता हूँ 3 सेकेंड, सपोज 3 सेकेंड, डन। अब ये 3 सेकेंड यहाँ पे रहेगा, मुझे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे हैव अ फन, इसमें मुझे कुछ और भी हैव अ हैप्पी बर्थडे हैप्पी मेनी रिटर्न ऑफ द डे, इसमें कुछ भी ऐड करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। देन उसके बाद मुझे सेकंड पेज पे आना है। सेकंड पेज पे मोस्टली आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि आप वीडियो मैसेज बनाते हैं किसी की बर्थडे पे, मोस्टली फ्रेंड्स इस पे काम करते हैं। और उसमें आप एक अट्ठा मैसेज कैनवा पे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें इफेक्ट्स मैं डालूंगा इसको, इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी इन्होंने वीडियो ऐड की हुई है, इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी कर सकता हूँ, वीडियो को लॉन्गर भी कर सकता हूँ, इसको मैं इस वीडियो को 2 सेकेंड्स या ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स इसमें अपना मैसेज मैं ऐड कर सकता हूँ, कोई भी मैसेज यहाँ पे ऐड करना है। देन उसके बाद मैं अपना नेम एडिट कर सकता हूँ, मुझे अपना नेम लिखना है या लेट्स सेलिब्रेट, इसको मैं बूस्ट अप, इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ आइसक्रीम वाले को, इसको मैं अनग्रुप करने के बाद ख़त्म भी कर सकता हूँ, इसको अलहदा कर सकता हूँ, इसमें मैं कोई और एलिमेंट यूज़ करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे केक केक की एक पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, केक मैं लिखूंगा, बर्थडे केक, सॉरी, ये बेटर है। मैं ये वाला जो पिक्चर है ये उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ आइसक्रीम की जगह पे, तो मैं यहाँ से बर्थडे की ये केक ये आइसक्रीम मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये यूज करना चाह रहा हूँ। देन उसके बाद काफी ज्यादा ग्राफिक्स में आऊंगा तो सारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ केक्स की पिक्सल एलिमेंट्स हैं, और इसमें कुछ भी मैं इधर मैं अपनी वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ, मीन्स अगर मेरे पास कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड पड़ी है तो मैं देखता हूँ इधर वीडियो, वीडियो कोई नहीं पड़ी, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं अपनी कोई वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ सपोज दैट, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी कोई वीडियो नहीं है तो मैं यहाँ पे कोई ऐड नहीं कर रहा, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी लगी हुई है, इसको आपको ऑलमोस्ट पता है कि किस तरह से यूज करना है। इसमें मैं एनिमेशंस जब तक ऐड नहीं करूंगा ये टाइम शो नहीं कराएगा, एनिमेशन में मैं चेक कर रहा हूँ ये इस तरह से, ये मैं अच्छा मुझे लगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, और देन उसके बाद इसकी वीडियोस का जो टाइम है उसके हिसाब से ये 40 सेकेंड्स का है।
यहाँ पे ये सारा टोटल टाइम शो कराएगा कि आपकी वीडियो कितने टाइम की अभी बन चुकी है, और जिस तरह ही ये वीडियो खत्म होगी इसका टाइम ये पूरा होगा, देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मूव ऑन कर देगा नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में ये वीडियो है, इसको ओपन किया आपने, इसमें आप अपनी भी फ्रेंड्स की वीडियोस लगा सकते हैं, इसमें आप अपना वॉइस ओवर भी इसमें ऐड हो सकता है। मीन्स दैट के अगर आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन में, पीडीएफ की प्रेजेंटेशन में तो वॉइस ओवर पीपीटी बेस में तो नहीं ऐड होता था, लेकिन कैनवा में ऐड हो जाता है। इसमें आप उसके बाद अपना यहाँ पे नेम ऐड कर सकते हैं, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसका आप टाइम जो है वो 7 सेकेंड से मैं इसको शॉर्ट करना चाह रहा हूँ 4-3 सेकेंड्स में। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी वीडियो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, इसकी 7 सेकेंड की वीडियो मैं 3-3 सेकेंड्स में ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको मैसेज को एडिट कर सकते हैं, इसको अलहदा अलहदा करके एडिट कर सकते हैं। मैं मार्टिन को ऊपर लेके जाना चाहूँ मैं वो भी लेके जा सकता हूँ। इसको मैं अनग्रुप करूँगा और ये मार्टिन वाला जो बॉक्स है ये मैं यहाँ पे ले आऊंगा, यहाँ पे जिसका भी जो भी नेम है वो उसको ऐड करे, साथ अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करे। इसमें एक और ऑप्शन है लेकिन वो कैनवा प्रो के लिए है, वो मैं नहीं बताऊंगा। उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कैनवा में ही होते हुए आप अगर अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन के साथ यहाँ पे ऑप्शन होता है रिकॉर्ड का, प्रेजेंट में प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड का, उसमें आप डायरेक्ट आपका कैमरा ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट एक लाइव रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं, लेकिन वो कैनवा प्रो का ऑप्शन है सिर्फ। देन उसके बाद मैं अगर ये वाला फॉर्मेट यहाँ से स्किप करना चाह रहा हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, या मेरे पास एक्स्ट्रा फॉर्मेट है ये, तो मैं यहाँ से आऊँगा, यहाँ से ये डिलीट कर दूंगा और नेक्स्ट फिर आ जाएगा। फिर उसको मैं अगर शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट या मैं इसकी वीडियो को इंक्रीज भी कर सकता हूँ, इसमें मैं डिफरेंट इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं अब इस वीडियो को भी थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा, वीडियो शायद ज्यादा लंबी कर रही है, नहीं ठीक है। इसमें मैं एनिमेशन ऐड करूंगा, गेम एनिमेशन ऐड कर दूँ। उसके बाद ये लास्ट पेज है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे या एटसेट्रा कुछ भी, और इसका आप जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। गल्फ एक बड़ा गल्फ डिस्प्ले जो एक बड़ा अट्रैक्टिव फॉन्ट स्टाइल है, जिसमें आप प्लेइंग मेरे ऑप्शंस में रहते हुए इसको यूज कर सकते हो। मैं वापस वही फॉर्मेट लगा दूंगा, फॉन्ट स्टाइल लगा दूंगा, और देन उसके बाद आप इसका भी टाइम चेंज कर सकते हैं। इसमें आप एनिमेशंस को ही ऐड कर सकते हैं, ये कैनवा प्रो की एनिमेशंस हैं, ये जो कुछ हैं ये सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक टीम मिल जाए जिसमें आप लोगों के लिए एक 1 ईयर जो है ना, सिर्फ सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए, जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं अभी जिन्होंने कोर्स के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए 1 ईयर कैनवा का जो है वो एक फ्री हो जाए, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही, अगर मुझे मिलता है तो पेज है। तो इसमें आप ये ऐड करने के बाद अगर आप इसका प्रीव्यू करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी लंबी थी, मैंने इसको शॉर्ट किया इसी वजह से आपको लग रहा है। उसके बाद इसके बैकग्राउंड में आपने म्यूजिक सुना होगा, सबने सुना होगा, वो म्यूजिक कहाँ से लगा है? वो म्यूजिक इसमें यहाँ से लगा हुआ है, अपलोड म्यूजिक अपलोड। अब यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई म्यूजिक अपलोड करके, या आप वीडियो में जितने मिनट्स की आप चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर यही मैं वीडियो अगर चाहूँ, ये वाली वीडियो, सिर्फ ये वाला पेज,
इस पेज को मैं इंक्रीज कर दूं 30 सेकंड्स तक, मैं इसको 30 सेकंड से ज़्यादा भी शायद कर सकता हूँ, नहीं लास्ट यही है 30 सेकंड्स तक, जब मैं इसको प्ले करूँ तो ये 30 सेकंड्स तक ये चल सकता है। आप इसमें अपना म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, मींस आप इस यहाँ पे ऑडियो पे आए, आप अपलोड करें, मेरे पास कोई ऑडियो इस वक्त सेव नहीं पड़ी हुई और ना मेरे पास गूगल ड्राइव पे है, वरना मैं आपको अपलोड करके यहाँ पे दिखा देता। सिंपल है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सिंपल है ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे आपने इसमें रिकॉर्डिंग्स में आके इसकी जो इस पर वो अप्लाई कर देनी है, देन उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अप्लाई। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क डायरेक्टली फ्रॉम मी। ऑलमोस्ट ये भी क्लियर हो गया है। अब इसमें मोस्टली इनवाइट पीपल्स डाउनलोड, डाउनलोड में आपको आपको ये सजेशंस हैं कि आप इसमें 7 पेजेस में से कोई पेज स्किप तो नहीं करना चाहते, आप इसको चेक मार्क लगा दें कि ऑल 7 पेजेस आर नीडेड, तो ये सारे 7 के 7 पेजेस ही डाउनलोड होंगे। और इसमें अब सेकेंड सजेशंस ये आ जाती हैं, आप इसको एज अ गिफ्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF के बाद भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको भी पता है इस बात का। तो ये म्यूजिक का ऑप्शन है, आप यहाँ पे कोई भी म्यूजिक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे शायद म्यूजिक का कोई मिल जाए, यहाँ से हम म्यूजिक डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली करने के बाद ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड करने लग गया, तो ये ऑडियो का ये भी ऑप्शन है, एक डायरेक्टली म्यूजिक चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको चला के चेक करना चाह रहा हूँ, ये पहले डाउनलोड होगा देन उसके बाद ये जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। आप इसको जब आपको ये सपोज ये डाउनलोड हो गया है, आपने इसको यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ये यहाँ पे ड्रैग अप्लाई हो जाएगा, देन उसके बाद आप इसकी बीट्स को जिस तरह से भी मैनेज करना चाह रहे हैं, इतना आपका ये इतना सा ये जो ब्लू एरिया है सिर्फ ये आपकी वीडियोस का टाइम है, और सॉन्ग में आप जिस जगह पे चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन ऑलमोस्ट वीडियो सबको क्लियर हो गई होगी, उसके बाद टाइम भी काफ़ी हो चुका है, क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं, मैं 10 मिनट में सारी या 20 को कवर कर दूँगा। पोस्टर डिज़ाइन भी हो गया है, उसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट या पोस्टर डिज़ाइन, ये सेम एज सच वही चीज़ें हैं, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो फिर ही आपको इसकी समझ आएगी। उसके बाद बुक कवर, बुक कवर में आप वही सिंपल होम पेज पर जाएंगे, बुक कवर बुक का कोई भी आप कवर यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे कोई कवर अपनी बुक में क्रिएट कर रहा हूँ, उसका मुझे कोई कवर क्रिएट करना है, उसका बाहर का फ्रंट पेज क्रिएट करना है, मैं उसमें इस यहाँ से किसी भी टेम्पलेट की हेल्प ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल से कोई बैकग्राउंड पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, ऐड करने के बाद उसके टेम्पलेट्स को चेंज कर सकता हूँ, उसको अपना कोई नेम दे सकता हूँ, मतलब तो मुझे यहाँ पे पाकिस्तान ब्रेकिंग या कोई अपने कोई बुक लिखनी है किसी चीज़ पे, उसके टेम्पलेट्स को मैं जिस तरह से मर्जी यहाँ पे रह के डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये जस्ट आपको उसने साइज बताया, उसके बाद आपको सजेशंस मिल जाएंगी यहाँ से कि एक प्रोफेशनल बुक का जो कवर होता है या टाइटल होता है वो किस तरह का होता है, टाइटल पेज होता है जो, वो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट। आपको यहाँ से आर्किटेक्चर बुक कवर मिल जाएंगे, ये देखें इसकी कैटेगरीज हैं किस तरह के वो होते हैं, उसके बाद आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, आप अपना कवर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर और इंस्टाग्राम हाईलाइट्स पर, इंस्टाग्राम हाईलाइट्स पे भी आप सेम वही सिंपल, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, इस पे अब हाईलाइट्स पे आते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट्स,
ये सेम साइज जो आपको इंस्टाग्राम पे आपने यूज करना है उस साइज की सारी हाइलाइट्स यहाँ पे नजर आ जाएंगी आपको। अब आप इसको डिफरेंटली डिफरेंशिएटली आप इसको कर सकते हैं ऐड। आप ये सिंगल सिंगल कवर में आएंगी ना, देखें सेवन है, इस तरह से आएंगी ऐड होंगी। तो अगर मैं कोई ट्रेवरल हूँ या मैं इस तरह से कोई चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ, मैसेजेस, किसी का कोई स्टोर है वो उस पर इस तरह से इसकी हाइलाइट्स ऐड करना चाह रहा है, कोई ये इस तरह के जो सिंबल्स हैं उनको यूज करना चाह रहा है, कोई टूरिस्ट है वो इस तरह से टेम्पलेट्स को यूज करना चाह रहा है। तो ये फ्रंट सिर्फ वो कंपेन स्टोरी है, आप इसको एंड पे रिमूव कर देंगे ये फ्रंट जो है ये वाला, लेकिन असल आपका हाईलाइट यहाँ से स्टार्ट होगा। हाईलाइट्स में आप समझते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे नीचे टाइमलाइन से ऊपर कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए होते हैं, तो उनमें आप इसमें आप इसके साथ कुछ ऐड भी कर सकते हैं। मींस यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो मैं टेक्स्ट पे जाके मैं सब टेक्स्ट सेलेक्ट करूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ पिकनिक, तो मैं बड़ा इसका मैं टेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा सा जो साइज है वो छोटा कर दूंगा, तो ये मुझे इजीली नजर आने लग जाएगा, इजी होगा इसको छोटा या बड़ा करना। अब इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका ये स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूँ। इट्स अप टू यू कि आप अपनी हाइलाइट्स कितनी फॉर्मल बनाना चाह रहे हैं या उसको एक प्ले एरिया में लेके आना चाह रहे हैं या उसको किस तरह से। अब यहाँ पे सर्च करने के बाद आप इसको डिस्प्ले फॉन्ट्स में भी चेक कर सकते हैं कि मैं कौन सी ऐड करूँ। उसके बाद आप डिस्प्ले फॉन्ट्स के बाद यहाँ पे ऊपर हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, सैनिक सैरिफ्स, बोल्ड फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट बोल्ड फॉर्मेट्स आ जाएंगी। और इसी तरह नेक्स्ट आप ये देखें, ये बैग का दिया हुआ है, ये आईज और इसकी डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। इसमें आप देखें कि आप इसमें कोई भी अपना एलिमेंट खुद भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अनग्रुप कर दें, देन उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें, इसको आप साइड कर दें, उसके बाद आप यहाँ पे कोई टूवर लिख दें, आप कोई सॉरी एलिमेंट्स में जाके टूवर लिख दें, टूवर के ग्राफिक्स पे जाएं तो आपको ये इस तरह से ये आप ऐड कर सकते हैं, गाड़ी ऐड कर सकते हैं, कार का कोई इंफोग्राफिक्स आप हाईलाइट बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे आप कार लिखते हैं, क्या आप अपनी कार शो करा रहे हैं, देन आप बाइक्स का भी लिख सकते हैं ये इस तरह से, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखें आप इसकी जगह पे कोई ये इसकी जगह पे बाइक्स यूज कर सकते हैं, इसको पहले अनग्रुप कर लें और इसको थोड़ा सा गायब कर दें, उसके बाद आप बाइक भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक वेक्टर ही है। वेक्टर मोस्टली जो है वो मूवेबल एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह से साइकिलिंग आप करते हैं, आप हाइकिंग करते हैं, आप जीपिंग या आप किसी एरियाज में, तो आप यहाँ पे सिंपल अगर आप कुछ भी ऐड नहीं करना चाह रहे, आप सिटीज के विजिटर हैं, किसी सिटीज में जाते हैं, आप यहाँ पे सिंपल वो ऐड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे हेडिंग में जाएंगे, आप यहाँ पे लिखते हैं लाहौर। हमारे साथ मोस्टली इंडियंस और बांग्लादेश से भी कुछ प्रोट्रैक्टर्स हमारे साथ ऐड हैं, तो उनके लिए भी कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड करते हैं, लाइक आप यहाँ पे दिल्ली ऐड कर सकते हैं। इसका मैं ये चेंज कर दूंगा, मैं सारे मतलब कैपिटल लेटर्स में ले आऊंगा। अब इसको मैं आगे मजीद मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं इसका ये चेंज करने के बाद मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, इसके बाद मैं इसमें इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकता हूँ, इफेक्ट्स में होलो इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, ये इको में अप्लाई कर सकता हूँ,
उसके बाद मैं इसका नियोन इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, ये इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ इसको मैं, कैपेसिटी इसको मैं कर्व कर सकता हूँ, कर्व करने के बाद मैं इसकी ये जो है कैपेसिटी इसको मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ। इसको मूव ऑन करने के बाद डिपेंड्स करेगा कि आप इसका साइज क्या रखना चाह रहे हैं, और इस तरह से आप बना सकते हैं अपनी हाईलाइट कोई भी। और जिस लाहौर को मैं कैपिटल में लेके आऊँगा, देन उसके बाद मैं इस पर एनिमेशन ऐड करूँगा, इफेक्ट्स इफेक्ट्स करने के बाद ऐड मैं इसको इसी में इफेक्ट को कर्व भी कर सकता हूँ। कर्व करने के बाद मैं इसका डिपेंड करता है मुझे इसको कितना कर्व करना है। कर्व करने के बाद मैं यहाँ पे कोई कार का ऑप्शन भी ऐड कर सकता हूँ, मीन्स मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सपोज। इस तरह से अपनी स्टोरीज की हाइलाइट्स भी बना सकता हूँ मैं। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखने के बाद यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स का जो एक एलिमेंट है वो भी ऐड कर सकता हूँ, फ्रेंड्स ग्रुप। सॉरी टेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स। आपने ये याद रखना है कि आपने ये सात एलिमेंट्स पे जरूर क्लिक करना है। सपोज मैं ये इस कार को यहाँ से हटा के यहाँ पे मैं ये पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, इसको मैं इस तरह से ऐड कर दूंगा करने के बाद। अच्छा, इसमें एक और बड़ी प्यारी चीज़ है कि आप ना अगर आपको ये वाला फॉर्मेट पसंद आ गया, आप इसको मजीद इसके इस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आप इस जो ऑथर के गैलरी में जाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा सी मोर लाइक दिस, और डायरेक्टली उस तरह की जितनी भी ये सेम ऑथर होगा, सेम ब्रांड, मतलब इसको ना कैनवा पे ब्रांड्स कहते हैं, तो उस जैसे काफ़ी ज़्यादा आपको एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं लाहौर को वापस, मैं यहाँ पे इसको एडिट करूँगा, सेम उसी तरह से वापस आ जाएगा, डिज़ाइन वही रह जाएगा। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा, और ये इसमें मैं स्पेसिंग कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ, लेटर स्पेसिंग ये देखें इसकी मैं जो है वो लाइन स्पेसिंग, अगर ये पैराग्राफ की फॉर्मेट में है तो वो भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद शायद लास्ट है इंस्टाग्राम स्टोरी रह गई है हमारी। इंस्टाग्राम स्टोरीज में यहाँ पे मैं यहाँ से मैं उठा लेता हूँ मार्केटिंग एजुकेशनल इंस्टाग्राम स्टोरीज टेम्पलेट्स। ये इंस्टाग्राम स्टोरीज का जो ऑफिशियल साइज है एक वो है, सपोज मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में से इसमें से कोई भी नहीं उठा रहा, मैं अपनी कोई स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ, उसमें मैं अपने पेज को फॉलो कराना चाह रहा हूँ या कुछ भी एट्सेट्रा ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल इसको ये लूँगा, इसका मैं कलर बैकग्राउंड कलर मैं ये कर देता हूँ या ये कर देता हूँ। ये करने के बाद मैं इसमें कुछ एनिमेशन ऐड करना चाह रहा हूँ जिसकी वजह से ये एक वीडियो फॉर्मेट में आ जाए। सपोज अभी तो सिर्फ एक बैकग्राउंड है, मैं एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ कि जो इसके मैं बैकग्राउंड में कोई फ्लावर्स अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो मैं टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई अगर मैं कोई सर्कल ऐड करना चाह रहा हूँ वो कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लब करूँगा, ब्लब मैं डिफरेंट वेक्टर्स में से इसमें से इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो ये ऐड मैंने कर दिया है यहाँ कि ये मूव ऑन करता रहे, देन इसके मैं
सी मोर लाइक प्लेस पे जाऊंगा, मुझे यहाँ से अगर कोई भी नज़र आ रहा है डिफरेंट फॉर्मेट्स तो मैं यहाँ से पिक कर सकता हूँ। पिक करने के बाद ये एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, यहाँ पे मैं इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मैं इसको ही क्लिक कर देता हूँ सपोज, तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया। इसमें मैं अपने पेज का नाम लिख देता हूँ सपोज, मैं अपनी आईडी यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि मुझे फॉलो करें। बेसिकली ये जो मैंने फॉर्मेट ये स्टाइल जो उठाया ना वो असल में उस फॉन्ट के अंदर ही जो है वो आपका जो उसकी जो फॉर्मेट है उसमें स्मॉल लेटर्स अलाउ नहीं है, तो इट्स स्मॉल। अच्छा इसमें मैं अब ये मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का जो यूज़र नेम है वो मैं ऐड करूँगा, अगर मैं इसको बाहर जाके छोड़ता तो इसने गायब हो जाना था, इसी वजह से इसको थोड़ा सा मैं इसको अंदर रख के ही करूँगा। और यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूँगा, देन उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा ये अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट का है, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखूँगा, इंस्टाग्राम। फॉर्मेट आ जाएगा ये, मैं यहाँ से यहाँ पे ऐड, इसमें से कोई भी मैं ऐड कर सकता हूँ, कोई पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसके दरमियान में मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में लिखूंगा फॉलो मी वाला, फॉलो फॉलोअर्स सही है ट्रेंडिंग में, ये फॉलो फॉलोअर्स। इसमें मैं अब देखना चाह रहा हूँ, मैं पिक्चर्स को साथ कंसीडर नहीं करना चाह रहा, मैं ग्राफिक्स में जाऊँगा, ग्राफिक्स में जाने के बाद मैं इसमें कोई भी फॉलो योर हार्ट या फॉलो मी फॉलोअर्स इसमें ऐड कर दूंगा। फॉलोअर्स ऐड करने के बाद मैं मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा ना, तो मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा, फॉलो ये वाला बटन मैं ऐड यहाँ पे कर दूंगा, मुझे इसके मज़ीद जो ब्रांड में वो देखना है। अच्छा मैं इसको लाइक भी कर सकता हूँ ताकि ये वापस मेरे एक फोल्डर में ताकि ये सेव रहे, वो इस तरह से कि मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये देखें ऐड टू लाइक्स, लाइक्स का यहाँ पे फोल्डर आपको मिल जाएगा, या मोड में जाएंगे और ये फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर आप कोई लाइक करते हैं सपोज मैं ये वाला लाइक करता हूँ एलिमेंट, ये एलिमेंट मुझे पसंद आता है, मैं ऐड टू लाइक्स कर देता हूँ। मुझे कभी भी किसी भी जगह पे ये एलिमेंट चाहिए तो मैं मोर पे जाऊँगा, फोल्डर देखूंगा, फोल्डर में लाइक्स में देखूंगा तो मेरा ये क्लिक किया हुआ होगा, मैं इसको क्लिक करूंगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके अब इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ एरो कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस पे इस अकाउंट पे आपने मुझे फॉलो करना है, तो मैं इस पे एरो लिखूंगा, एरो का ग्राफिक्स एरो इन ग्राफिक्स लिखूंगा, देन मुझे डिफरेंट एरोज शो हो जाएंगे, कुछ एनिमेटेड होंगे और कुछ जो है वो सिंपल होंगे। इसमें मैं ये देखता हूँ, इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ इधर, मीन्स मैं इसको थोड़ा सा इसकी मैं पोजीशन फ्लिप भी कर सकता हूँ, मीन्स मैं इसको इस साइड पे इसका जो है वो सॉरी वर्टिकली इसको चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे आप इस तरह से इसको फॉलो करें, और उसमें मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर में इसका रेड कर देता हूँ, उसके बाद मुझे क्लियर हो जाएगा। ओके जी इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में आपको ये इस तरह से इसका पता चल गया, इसका आपने टाइम कितना रखना है ये 10 सेकंड ऑलमोस्ट कर देते हैं सपोज। इसमें आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, म्यूज़िक भी मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से वो ऐड करना है, आपने इसी तरह मोर में जाना है और वीडियो इधर गया, ये ऑडियो, ऑडियो में आके आपने यहाँ से कोई भी सर्च कर सकते हैं आप बर्थडे या कोई आपको अच्छा लगता है, देन आपको मैंने बताया आप यहाँ से अपलोड करके भी अप्लाई कर सकते हैं,
कोई म्यूजिक इस पे, और उसके बाद आप इसको अगर चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टार्ट वीडियो आप इसकी इंस्टाग्राम हाईलाइट या इसका इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बना सकते हैं। हाईलाइट्स भी ऑलमोस्ट वीडियोस अपलोड हो जाती हैं हाईलाइट्स पे भी, लेकिन ओके जी, अब ऑलमोस्ट आज का लेक्चर जो है वो क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन आंसर जो है ना एंटरटेन करूँगा, तो काइंडली आप मुझे, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप अपना माइक ओपन हैंड रेज करके, आपको मैं फिर इनवाइट करूंगा, देन आप अपना माइक ओपन करके भी बता सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? तो एक राजकुमार का क्वेश्चन था, तो वो उनको मैं अनम्यूट कर देती हूँ, तो वो पूछें। मैं सॉरी, अनम्यूट करना भूल गया, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी, माइक ओपन किया, मैं 15 तक देखूंगा, उसके बाद मैं